विश्व बाल श्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर सटा। आज कोई बहुत बड़ी दिवस नहीं है और ना ही कोई शुभकामना देने वाला भी दिवस है। आज विश्व बाल रोकथाम श्रम दिवस है, इधर उधर हो गया, लेकिन बाल श्रम को रोकथाम के लिए आज दिवस मनाया जाता है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 में इस दिवस का नामकरण किया था, लेकिन हम भारत के लोग उसको बत्ती बनाकर रख जेब के पॉकेट में रख लिए। भारत में लगभग 13 लाख बच्चे रोजाना श्रम करते हैं। श्रम का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे सर पर ईंट लेकर इधर से उधर जाते हैं। श्रम का मतलब होता है कि वो कैसा भी श्रम कर सकते हैं पैसे के लिए। और 13 लाख बच्चों में से लगभग एक आध दो लाख बच्चे ही माता पिता के दबाव में श्रम करते होंगे। आज हर माता पिता चाहता है कि उसके बाल बच्चे बड़े होकर पढ़े लिखे, एक अच्छा नाम कमाए जो वो नहीं कमा सके। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग ऐसे ही हैं। हम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन पेड़ नहीं लगाते, लेकिन स्टेटस जरूर लगा देते हैं। रोजाना बड़े बड़े लोग, पत्रकार, नेता, एक्टर, एक्ट्रेस अपने कुत्तों को लेकर रोड के किनारे निकल जाते हैं और वहाँ पे उनको पेशाब लैटरिंग करवा देते हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस के दिन स्टेटस पर लगा देते हैं कि पर्यावरण को बचाइए, स्वच्छता बनाए रखिए। यही हाल कुछ युवा वर्ग को के लिए भी है। मैदानों में, पार्क में खेलते समय वो लोग भूल जाते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हम भी कभी ना कभी मनाते हैं, हम भी स्टेटस लगाते हैं। वो अक्सर मैच खेलते समय गेंद को खोजने के लिए 10 से 12 पौधे नुकसान कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मालूम किस कौन सा पौधा क्या है, लेकिन पौधे पौधे होते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अक्सर बड़े बड़े घरानों में, शॉपिंग मॉल में और दुकानों में आपको ब्यूटी पार्लर्स में मिल जाएंगी जो 15 वर्ष से कम होती है। पोछा झाड़ू लगाने के लिए ये लोग रखते हैं और वहीं से फिर लोग स्टेटस पर लगाते हैं कि विश्व बाल श्रम को रोकिए। बाल श्रम एक गैरकानूनी कार्य है जिसको हम करवाते हैं। सरकार भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। सरकार चुप्पी साधे हुई है और आज सरकार का तो ट्वीट आया होगा, क्योंकि है आज 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम रोकथाम दिवस मनाया जाता है, और आज के दिन तो हर देश अपना निकालता होगा भैया आज बाल श्रम को रोकिए, लेकिन स्थिति भारत में बहुत ख़राब है। आपके गांव में और इस कोरोना काल ने तो समझिए इसको और बड़ी ऊंचाइयों पर रख दिया। आज या तो बच्चे गेम खेलते हैं या उसकी ख्वाहिश के लिए वो काम करना चाहते हैं। बहुत से घर हैं मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग, जिनके बच्चे के पास मोबाइल नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि मोबाइल मिले। नहीं भैया, पढ़ने के लिए नहीं, पबजी, फ्री फायर, GTA और भी 2-4 गेम खेलने के लिए, रील्स बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पर फेमस होने के लिए। और यही कारण है कि बच्चे आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बच्चों में अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा काम वहाँ पर नहीं करते, वहाँ पर साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सामानों को इधर से उधर रखना करते हैं। अक्सर हमारी और आपकी शादी में, आपकी जब गाड़ी दूल्हे के साथ बैठी गाड़ी जब आगे चलती है और उसके साथ एक रोड लाइट निकलता है, उस रोड लाइट में आपने शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन वीडियो मेरे पास है, उस रोड लाइट में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। दुकानों पर आप जाएंगे, कपड़ों की छोटे मोटे दुकानों पर, वहाँ पर भी आपको बच्चे मिल जाएंगे। वो सिर्फ 2,000-2,500 रुपये में वहाँ पर पूरे दिन काम करते हैं, 9 बजे से 8 बजे तक 7 बजे तक काम पूरा करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में 7 बजे के बाद काम नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अंदर से काम करवा रहे हैं। इतना ज्ञान हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भी पता चले कि जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो गलत कितना है। हम नहीं सुधरेंगे तो कोई बात नहीं, फिर से हम अगले कोई दिवस पर ऐसे ही आपको बताएंगे।
फिर से आज कौन सा दिवस है, आपको आपको स्टेटस पर क्या लगाना है। नमस्कार।